जैविक कैसे साहब बागी हो गए हैं भैया। बागी क्या होता है, बागी बागी कुछ ग्रीडी या धनबाद से लड़ेंगे ये तय है। दोनों में से कोई एक। हाँ दोनों में से कोई तो एक। आप क्या मान लिया जाए कि हमको टिकट नहीं मिला या मेरे साथ और जितने लोग थे उन लोगों को नहीं मिला, दुख इस बात का है। नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइगर जयराम महतो ग्रीडी लोकसभा से अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका 1 तारीख को नामांकन भी है। लेकिन दोस्तों जैसे ही जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रही है उनकी एक अलग छवि बनते जा रही है। कुछ लोग उन्हें कट्टर को लेकर एक कुर्मीवादी बोल रहे हैं और कुछ लोग उन्हें जो है एक अलग विशेष समाज को लेकर भी उनका जो है एक छवि बना दिए हैं। दोस्तों ये तो हुई उनकी एक अलग परेशानी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी होगी 2-3 दिन के अंदर। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा आंदोलन में सक्रिय रहे हैं करण महतो अब चुनाव में उतर चुके हैं और उनका कहना है कि वो 30 तारीख तक अपना नामांकन ले लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि करण कुमार महतो या तो ग्रीडी या तो धनबाद से अपना जो चुनाव लड़ सकते हैं। उनका अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि वो ग्रीडी से लड़ेंगे या फिर धनबाद से लड़ेंगे। उनका कहना है कि बहुत जल्द वो चुनाव लड़ेंगे और 30 तारीख तक अपना जो डिसीजन सुना देंगे, यानी यही 2-3 दिन में उनका जो डिसीजन आ जाएगा कि वो ग्रीडी से लड़ेंगे या फिर धनबाद से लड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें ये कहानी जो है उन्होंने जब उनको टिकट नहीं मिला तो अपने दुख को कहीं ना कहीं मुझे उस इंटरव्यू को देखकर ये लग रहा था कि उनके अंदर जो है एक खटक थी कि वे जो है जैविक केसेस में इतने दिन से काम किए हैं और इस आंदोलन में इतने दिन से सक्रिय रहे और उनको टिकट ना मिला और धनबाद से एक अननोन पर्सन को टिकट दे दिया गया, उसमें उन्होंने दुख जाहिर किया है और उनके दिल में कहीं ना कहीं उसके प्रति एक थोड़ी सी दुख है कि उन्हें जो है भाषा आंदोलन में जो सक्रिय रहे हैं उन्हें क्यों नहीं टिकट दिया गया। साथ ही साथ उनका अंदर एक ये भी भावना दिखी कि आंदोलन जिन्होंने किया उन्हें टिकट दे देते तो शायद उनका जो है ये दुख नहीं होता, क्योंकि एक ऐसे अननोन पर्सन को टिकट धनबाद से दे दिया गया है जिसे कोई जानता भी नहीं है और ना ही उनकी जो है भाषा आंदोलन में कहीं पे भी थोड़ी सी भी सक्रियता नज़र आई थी। साथ ही साथ उनसे जब पूछा गया कि आप क्या टाइगर के विरुद्ध जाएंगे, वो भी एक क्रांतिकारी हैं और झारखंड की बात करते हैं, आप भी एक क्रांतिकारी हैं और झारखंड की बात करेंगे तो क्या आप उनके विरुद्ध जाएंगे, तो करण कुमार महतो का ये कहना था कि जयराम मुझे कोई बॉन्ड नहीं करा लिया है, नहीं मुझसे विवाहित है कि मैं उनसे डिवोर्स देना पड़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इस क्लिप को थोड़ा सा देख लीजिए। ये दोनों सीट बराबर है, ग्रीडी हो या धनबाद, तो दोनों में से कौन चयन कर रहे हैं दादा? ये बहुत जल्द बताएंगे, 30 तारीख तक बताएंगे, लेकिन ये फाइनल है कि चुनाव तो लड़ेंगे, ये एकदम फाइनल है कि चुनाव लड़ेंगे, निर्णय तय है। चुनाव तो लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी पर लड़ेंगे? देखिए दादा एक चीज, हम किसी को समर्थन करने जा रहे हैं? पहले भी हम बोलते थे जब मेरे ऊपर केस हुआ था और माननीय सिली के विधायक मेरे साथ नामजद थे, पूर्व विधायक, जब वो जेल चले गए थे तो बहुत कोई हमको बोला था कि देखना तुम भी जेल जाएगा, याद होगा आपको, आप लोग भी बैठ लेते। उस टाइम भी हम एक बात बोले थे कि करण महतो खड़ा तो सरकार से बड़ा, आज तक हम जेल नहीं गए उस केस पे, हम बाहर ही रहे, सारा चीज हो गया और लोगों का प्यार सो गया। तो इतना जान लीजिए कि हम जिस सीट से लड़ेंगे लोगों का प्यार समर्थन, लोगों को पूछ लेंगे, विचार कर लेंगे, कहेंगे आंदोलन पूछ लेंगे, लेकिन ग्रीडी या धनबाद से लड़ेंगे ये तय है। दोनों में से कोई एक। हाँ दोनों में से कोई तो एक। आप क्या मान लिया जाए कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता तय करेगी, जनता किसे चुनेगी, जनता मुझे चाहती है तो मुझे वोट देगी, जनता जिसे चाहेगी, मैं कोई किसी का नहीं होता है, जनता जिसे चाहेगी उसी को वोट देगी। कि हमको टिकट नहीं मिला या मेरे साथ और जितने लोग थे उन लोगों को नहीं मिला, दुख इस बात का है कि जो माँ काकी जो चाची जो हम इनके दीदी सब 3.5 लाख लोग सड़क पे निकल रहा है मानव श्रृंखला में, कहीं ना कहीं ओखिन के मुंह में ही तमाचा हो कि आंदोलन करे वाला कोई गिदर के टिकट नहीं मिलके कोई ऐसा आदमी के टिकट मिल जाओ जगरा हमका ना लागो कोई जानो, और कहीं ना कहीं तो साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ये तो वही बात हो गई कि काम करे कोई और उनका फल कोई और मिले, जैसे हम लोग बाहरी भीतरी करते रहते हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि अंदर का आदमी काम किया, हम लोग संघर्ष किए और टिकट किसी और को मिल गया, तो ये बाहरी भीतरी का ही एक प्रथा की तरह काम कर रही है और ये उसी तरह हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भाषा आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था बोकारो में और जो मानव श्रृंखला हुई थी, वो उन सभी जितने भी उसमें आए थे माई बहन जितने भी आदमी आए थे उन सबों के ऊपर एक तमाचा है कि फिर से एक अननोन आदमी को टिकट दे दिया गया और
उनकी जो उस संघर्ष में उस तड़ाती धूप में आदमी थे उनको ना टिकट दे के, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हीं को टिकट मिले, लेकिन जो आंदोलन में सक्रिय था उन्हें टिकट मिलनी चाहिए थी, ना कि कोई एक अलग पर्सन को जो है टिकट देना उचित नहीं था। जेबी कैसे साहब बागी हो गए हैं? भैया बागी क्या होता है, बागी बागी कुछ नहीं होता। एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ सब लोग आंदोलन से बना हुआ है, ठीक है, ये पार्टी आंदोलन की है। और मेरा मानना है कि आंदोलन में जो मेहनत किया, मैंने वो खोट्ठा में कहावत हो कि खेट मोरे मुर्गा और बिलाय खेटी, ये कहावत ना चलतो। अगर स्पष्ट बात है कि जो मेहनत किया पहला हकदार हुआ है, भैया मेरा कहना है रोटी कपड़ा मकान, तो जो गरीब है उसका पहला हक है, जो संघर्ष किया मेहनत किया पहला हक उसको है। और जिस तरह का फेसबुक में चल रहा है कि धनबाद का टिकट बेचा गया, धनबाद का टिकट कहीं ना कहीं सेटिंग किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इन सब चीज़ों का आप लोग पत्रकार हैं, गहराई तक जाइए कि बात क्या है और लोगों को सच दिखाइए। अंत में जब उनसे पूछा गया कि आप जेबी केसेस के विरोध भी जाएंगे, तो उनका कहना था कि आज तक मुझे जो छेड़ा है उसको हम छोड़े नहीं है और आगे भी जो हमको छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। पिछला विधानसभा उपचुनाव में डुमरी में आपने झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी का समर्थन किया था, इस बार भी किसी प्रत्याशी का समर्थन करने का विचार है या? दादा देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, अगर हमको कोई छेड़ा जिस जगह से हम लड़े और अगर कोई मेरे खिलाफ ज्यादा तेज बनेगा, तो ये यकीन आप जान लीजिए कि भैया जैसन कर में वैसने भोग में, अगर कोई मेरे खिलाफ आएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। अगर ये एक तरह का फाइनल समझ लीजिए कि कोई अगर हमको छेड़ा मेरे सीट से, तो हम तो भाई उसके खिलाफ एकदम हो जाएंगे। हाँ, और एक चीज बता रहे हैं कि पहला लड़का है जो इस राज्य को एक मंत्री दिए हैं, मेरे रहने से आज मेरी माँ समान है, आज राज की सुबह की वो मंत्री है, और पहला लड़का है जिसको मंत्री बोली थी कि बाबू तो हमर संग रह जीतने के बाद, लेकिन हम 7 दिन बाद उसी सरकार के खिलाफ जाके फिर प्रदर्शन किए। हम चाहते तो एक मिनिस्टर के साथ रह के ऐस आराम का जिंदगी जी सकते थे। बाकी आपका क्या विचार है इलेक्शन को लेकर, आपको आपका क्या विचार है करण दा को लेकर, आपका क्या विचार है जयराम को लेकर अपना, और आपका अपना क्या विचार है इलेक्शन को लेकर, कॉमेंट में जरूर कॉमेंट कीजिएगा। बस अभी के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।